गोली से दो बदमाशों को गोली लग जाने बदमाश घायल हो गए, जिसे पुलिस ने हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। अपर पुलिस अधीक्षक महेश सिंह अत्री ने बताया कि बीती रात भेकुलिया घाट के पास स्थानीय पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, तभी एक मोटरसाइकिल पर दो बदमाश दिखे, जो पुलिस को देखकर पुल के नीचे से भीटी की तरफ भागने लगे। पुलिस द्वारा उनका पीछा किया गया। बदमाश अपने को चारों तरफ घिरा हुआ देख पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दिया। जवाबी कार्यवाही में दोनों को पैर में गोली लग गई, जिससे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों बदमाशों की पहचान विहार निवासी अरुण कुमार यादव व दीपक यादव के रूप में हुई। दोनों बदमाशों के उपमाऊ में कई आपराधिक मुकदमा दर्ज हैं। दोनों बेहद शातिर बदमाश हैं, जिसकी समीक्षा जारी है। उनके साथी टिकुलिया घाट पर चेकिंग कर रहे थे, साथ में उनके एसओजी प्रभारी अमित मिश्रा और स्वाद प्रभारी प्रमोद सिंह भी वहीं उनके साथ में थे। रात्रि लगभग 2:30 बजे और 3 बजे के बीच में एक मोटरसाइकिल जिसपे दो व्यक्ति सवार थे और पिछले व्यक्ति पे एक पिट्ठू बैग था दिखाई पड़े और वो पुलिस को देखकर बलिया मोड़ की तरफ भागने लगे। बलिया मोड़ की तरफ भी चूँकि पुलिस चेकिंग कर रही थी, वो लोग जो भीटी पुल है उसके नीचे की तरफ भागे, जहाँ पुलिस सामना सामना हुआ और उन्होंने जान से मारने की नीयत से पुलिस को फायर किया, जिसमें पुलिस द्वारा गोली चलाई गई, जिसमें दोनों व्यक्तियों को गोली लगी। और उनके प्रारंभिक पूछताछ में उनके नाम दीपक यादव और तरुण कुमार यादव हैं, जो कि कोड़ा जनपद कटिहार बिहार के रहने वाले हैं। इन व्यक्तियों से एक मोटरसाइकिल ग्लैमर और दो तमंचे बरामद हुए, इसमें एक 12 बोर का है और एक 315 बोर का है, और इनसे एक एक खोखा कारतूस और एक एक गिद्धा कारतूस बरामद हुआ है। साथ ही जो पिट्ठू बैग है उसमें जब तलाशी ली गई तो पिट्ठू बैग में एक छोटा बैग था जिसमें 25,000 रुपये और कुछ चेकबुक और पासबुक बरामद हुई। साथ ही जो बैग है उसमें कपड़ों के बीच में 55,000 रुपये बरामद हुए। इनके द्वारा प्रारंभिक पूछताछ में जनपद मऊ की 4 टप्पेबाजी की घटनाओं में शामिल होना स्वीकार किया है और अभी एक अंतिम घटना दिनांक 10/10/2023 हुई थी, जिसमें वादी शैलेंद्र कुमार राय द्वारा इनके विरुद्ध अज्ञात मुकदमा पंजीकृत कराया गया था और वो जो कागजात हैं, जो चेकबुक और जो पासबुक है, वो उन्हीं से संबंधित है। इन लोगों के द्वारा जनपद के आसपास के जनपदों में भी घटनाएं होना स्वीकार किया है और दोनों को अस्पताल में लाया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। सर, कहाँ के रहने वाले, कौन सा गैंग है इनका? अरे ये टप्पेबाजी वाला गैंग है और ये थाना कोड़ा जनपद कटिहार के रहने कटिहार गैंग है। कहाँ लगी है गोली? गोली पैर में। पुलिस वाले भी कोई घायल हुआ है? पुलिस वाले को। सर, कोई घटना को अंजाम देने जा रहे थे? अभी पूछताछ, प्रारंभिक पूछताछ हुई है इनसे, बाकी चीज़ें जो डिटेल में।